हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल बायोलॉजी ब्लूम में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पे नीट पी वाई क्यू लेकर के आती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग सबसे पहले बात तो बिल्कुल सेफ़ रहिएगा इस टाइम में, और बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन भी धीरे धीरे करते रहिएगा। और ये जो नीट पी वाई क्यू की सीरीज़ है, इसमें मैं बिल्कुल पी वाई क्यूज़ लेकर के आती हूँ जो कि एन सी आर टी कोर कंटेंट होते हैं और एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और आज मैं जो लेकर के आई हूँ वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के क्वेश्चन हैं फ्रेंड। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है फ्रेंड्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड। ऑप्शन ए साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन बी वाइडल टेस्ट, ऑप्शन बी इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और यूटीआई टेस्ट, ऑप्शन सी इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और वाइडल टेस्ट, एंड ऑप्शन डी इज साल्मोनेला टाइफी और एंथ्रोन टेस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसको बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये देखना है कि इसमें करेक्ट पेयर कौन सा है, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें टेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट दोनों, ओके। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, साल्मोनेला टाइफी, क्योंकि आपको पता है जो टाइफॉइड फीवर होता है उसके नेम में भी टाइफॉइड है, तो ये साल्मोनेला टाइफी, और जो इसका टेस्ट है फ्रेंड्स वो वाइडल टेस्ट होता है, ओके। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो साल्मोनेला टाइफी है, इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो फीकल ओरल रूट से होता है, एंड इसमें बहुत ज़्यादा हाई फीवर आता है और एब्डोमेन में पेन होता है, और बार बार फ्रिक्वेंट स्टूल्स होते हैं, बार बार आपको स्टूल्स रिमूव करने होते हैं, और इसके बाद इसका जो कन्फर्मेशन होता है ये वाइडल टेस्ट से होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है फ्रेंड्स, इन विच डिजीज़ डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फैटिक वेसल्स, ओके। ऑप्शन ए है हमारे पास एलिफेंटियासिस, ऑप्शन बी इज एस्कैरियासिस, ऑप्शन सी इज रिंग वर्म डिजीज एंड ऑप्शन डी इज अमीबियासिस। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है, और जो पैथोजन है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फैटिक वेसल कॉज करता है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एलिफेंटियासिस, ओके। एलिफेंटियासिस जो है वो पैरासाइटिक फाइलेरियल वर्म से होता है फ्रेंड्स, जिसका नाम है वुकेरिया बैनक्रॉफ्टाई से ये होता है। और यहाँ पे देखिए, मैं स्पेलिंग भी लिख देती हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा, ठीक है, बट ये जो होता है वुकेरिया एंड बैनक्रॉफ्टाई, आप लोगों को याद आ गया होगा बैनक्रॉफ्टाई, ओके। चलिए, और ये जो होता है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, इसका जो ट्रांसमिशन है फ्रेंड्स वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में होता है। और जैसे कि मलेरिया का जो मॉस्किटो होता है फ्रेंड्स, किसी को बाइट कर लेता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, देन हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वहाँ पर ट्रांसमिट करता है। लाइकवाइज वैसे ही ये जो इसका जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाता है मॉस्किटो बाइट से, ओके। और ये जो मॉस्किटो है फ्रेंड्स वो क्यूलेक्स होता है, और इसमें क्या होता है, जो इसका जो कैरेक्टराइज कैसे हम लोग पहचानते हैं, कैरेक्टराइज इसको कैसे करते हैं, इसमें जो स्किन के जो नीचे यानी जो अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और क्या होती है, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, लार्जमेंट हो जाती है, और लिम्फैटिक जो वेसल्स होती हैं, ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो मतलब वर्म्स की एंट्री तक हो जाती है वहाँ पर, और जो लिम्फ होता है, जो ड्रेनेज लिम्फ के ड्रेनेज को प्रिवेंट करता है सराउंडिंग टिश्यू, वो सब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, और बहुत ज़्यादा हाथ पैर जो होते हैं, मेनली जो लेग होता है और जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, वो बिल्कुल कहते हैं कि देख जो पिक्चर्स में दिखाया जाता है बिल्कुल हाथी पाँव की तरह, जिसको हाथी पाँव कहते हैं, बहुत बड़े इन लार्ज साइज़ के हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थ्री असर्शन रीजन पर है, बैलेंटीडियम कोलाई लिव्स इन इंटेस्टीन ऑफ ह्यूमन बींग्स,
कि बैरेंटेरियम कोलाई ह्यूमन बींग की इंटेस्टाइन में रहता है, ये असर्शन है। एंड रीज़न क्या है, बैरेंटेरियम इज़ हार्मलेस टू ह्यूमन बींग, ये कह रहे हैं कि ये हार्मलेस है ह्यूमन बींग के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बैरेंटेरियम कोलाई जो है वो एक्सिलिएट प्रोटोजोन होता है, ओके, और ये पैरासाइट है मैन की इंटेस्टाइन का, मंकी, पिग्स, इन सब की इंटेस्टाइन में भी ये होता है। और ये मेनली कोलन, जो हमारे इंटेस्टाइन में जो कोलन होती है उसमें इन्वेड करता है, और ये बैलेंटाइडियल डिसेंट्री कॉज कर सकता है, ओके। तो ये बैलेंटाइडियल डिसेंट्री भी कॉज करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, यानी कि असर्शन तो ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है फ्रेंड्स कि जो बैलेंटेरियम है वो हार्मलेस है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये बैलेंटेरियल डिसेंट्री कॉज करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग पैथोजन इज नॉट ट्रांसमिटेड बाई अ वैक्टर, इसमें से कौन सा ऐसा, इसमें से आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो पैथोजन है वो वेक्टर से ट्रांसमिटेड नहीं होता है। ऑप्शन ए साल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन बी अल्फा वायरस, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी बुकेरिया बैनक्रॉफ्टाई। तो यहाँ पर हमें बताना है फ्रेंड्स, तो देखिए साल्मोनेला टाइफी जो है वो कॉजल ऑर्गेनिज्म है टाइफॉइड का, ओके, और ये फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, ये किसी वेक्टर से ट्रांसमिट नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। असर्शन इज फिलेरियल वर्म इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो, एंड रीजन इज क्यूलेक्स प्रीफर्स टू ब्रीड इन फ्रेश वाटर। तो अब आपको बताना है कि असर्शन रीजन से क्या रिलेशन है, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फीमेल क्यूलेक्स होती है वो कैरियर होती है किसकी, फिलेरियल वर्म की। तो जो फीमेल क्यूलेक्स है वो फिलेरियल वर्म को कैरी करती है, और वन पर्सन से अनदर पर्सन में, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और ये जो है वो डर्टी वाटर में ब्रीड करती है, ठीक है, जहाँ पे जैसे कि ऐसा होता है कि मान लीजिए कूलर में पानी स्टे कर गया, गंदा हो गया, उसमें ब्रीड कर देगी। गमलों में पानी भर करके रखा हुआ है, बिल्कुल ओवर हो गया है, वहाँ पे ब्रीड कर लेगी। किसी भी पुराने पड़े हुए टायर के या किसी पुराने पड़े हुए बर्तन, जो कि जनरली रूफ़ पे, छत पे लोग ऐसे ही रख देते हैं, कबाड़ वगैरह में, कोने में, कॉर्नर्स में, वहाँ पे ब्रीड कर देती है, गंदे पानी में, डर्टी वाटर में ये ब्रीड करती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है 5 का, वो सी करेक्ट हो जाएगा, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, ओके, असर्शन करेक्ट है, रीज़न फॉल्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। नेम ऑफ द डिजीज़ कॉज्ड बाई अ बैक्टीरियम इज़, ओके, ये तो इजी है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज़ ब्लेग, ऑप्शन बी मम्स, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी स्लीपिंग सिकनेस। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो बैक्टीरियम से होती है, और बाकी ऑप्शन बी यानी मम्स, डेंगू, स्लीपिंग सिकनेस, ये सारी ही बैक्टीरिया से नहीं होती है, ओके। तो चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली अकर्स बाय, एस्केरिस का इन्फेक्शन कैसे होता है। ऑप्शन ए सी सी फ्लाई, ऑप्शन बी मॉस्किटो बाइट, ऑप्शन सी ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरिस, एंड ऑप्शन डी ईटिंग इम्परफेक्टली कुक्ड पोर्क। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए होता क्या है कि जो मैन होता है या जो ह्यूमन बींग है उसको इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, ये क्या होता है, डायरेक्टली जब एस्केरिस के एग्स इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका इन्फेक्शन हो जाता है। और फिर उसके बाद जो आगे की जो स्टेज होती है, सेकेंड स्टेज, वो लार्वा की स्टेज होती है, ठीक है, और कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर जिसमें कि लार्वा प्रेजेंट हो, एग प्रेजेंट हो, वो खा लेने से ऐसा हो सकता है। जो इसकी लाइफ साइकिल होती है एस्केरिस की, वो मोनोजेनेटिक होती है, इसमें कोई इंटरमीडिएट होस्ट या वैक्टर नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पर जो एस्केरिस है वो मोनोजेनेटिक है, ओके, मोनोजेनेटिक, एक ही होस्ट होता है, कोई भी इंटरमीडिएट या वेक्टर नहीं होता है, ठीक है, ये मोनोजेनेटिक है फ्रेंड्स। नाउ चलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरिस, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिजीज विच इज ऑलवेज प्रेजेंट एट अ लो लेवल इन अ गिवन पॉपुलेशन और अ रीजन इज टर्म्ड एज,
तो फ्रेंड्स देखिए, अभी आपने देखा कि आजकल जो ये कोरोना डिजीज़ जो स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है, तो इसको हम लोग पैंडेमिक का नेम दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे डिजीज़ जो ग्लोबली स्प्रेड होती है, कई कंट्रीज़ में स्प्रेड होती है, महामारी जो हो जाती है, वो उसे पैंडेमिक कहते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम लोग अब ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए पैंडेमिक, ऑप्शन बी एंडेमिक, ऑप्शन सी एपिडेमिक एंड ऑप्शन डी इज़ नोटिफिएबल डिजीज़। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, वो बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंडेमिक। तो ऐसी डिजीज़ को एंडेमिक कहते हैं, ठीक है। तो एंडेमिक जो होता है वो लिमिटेड पॉपुलेशन में होता है, और जब इन्फेक्शन जो होता है वो एक किसी एक पॉपुलेशन तक ही लिमिटेड रहता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं एंडेमिक। चलिए अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। ऑप्शन इज पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी सिफिलिस, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। फ्रेंड्स बिल्कुल सीधा आंसर है यहाँ पे कि ये पोलियोमाइलाइटिस है, पोलियो का वायरस होता है, आप सभी लोग जानते हैं, और ये वायरस से होने वाली डिजीज़ है, और ये एंटीरो वायरस होता है, जो पोलियो वायरस होता है वो एक टाइप का एंटीरो वायरस होता है, और वो स्मॉलेस्ट नोन वायरस भी है जिसका 10 माइक्रोन मीटर तक डायमीटर होता है। ओके, एंटीरो वायरस, एंटीरो वायरस, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका जो पोलियो वायरस है उसके बारे में बात कर रहे थे, इसका जो जेनेटिक मटीरियल होता है फ्रेंड्स वो आरएनए होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होता है। ये भी कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, और बाकी डिप्थीरिया, सिफिलिस एंड ट्यूबरकुलोसिस ये सारी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं फ्रेंड्स, तो ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन में हम लोग कई पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं, इसीलिए ये PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप मेरी इस PYQ वाली सीरीज़ से बिल्कुल बने रहिएगा फ्रेंड्स, और जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाइएगा और इसे स्प्रेड करिएगा प्लीज़। चलिए थैंक यू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, एथलीट्स फूट इज कॉज्ड बाय। एथलीट्स फूट किससे होता है? ऑप्शन ए है हमारे पास टीनिया पेडिस, ऑप्शन बी स्टीनिया कैपिटिस, ऑप्शन सी स्कैंडाइडा एल्बिकेंस, ऑप्शन डी इज रिकेट्सिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एथलीट्स फूट है वो फंगस इन्फेक्शन होता है, और जो टोज के बीच की जो स्किन होती है, या जो पैर के जो हमारे टोज हैं उनके बीच बीच की जो स्किन होती है, वहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये एक टाइप का रिंग वर्म जो होता है टीनिया पेडिस उससे कॉज होता है, और इसमें ईचिंग होती है, ड्राइनेस होती है, ठीक है, ये सारे इसके जो लक्षण होते हैं ये होते हैं। चलिए तो ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन यहाँ पर सीधे सीधे टीनिया पेडिस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, फूट है तो पेडल्स से आप याद रख सकते हैं पेडिस, नाउ पेडल जैसे होते हैं ना साइकिल के पेडल्स, ठीक है, और वैसे भी पेडल्स का जो टर्म होता है वो फूट से ही रिलेटेड होता है फ्रेंड्स, तो आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक बिकॉज इट इज़ अ, ऑप्शन ए कॉज्ड बाई अ वायरस, ऑप्शन बी कॉज्ड बाई अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन सी कॉज्ड बाई अ ग्राम निगेटिव बैक्टीरियम, ऑप्शन डी इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप लोग ये समझ लीजिएगा, ये जो कॉमन कोल्ड होता है वो एक टाइप नहीं, यहाँ पे कहना चाहिए लगभग 100 टाइप्स के राइनो वायरसेस से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ये वायरस से कॉज होता है, और जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो अगेंस्ट बैक्टीरिया, किसी एंटीबायोटिक जो होती हैं वो किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट दी जाती हैं, और जो एंटी फंगल होती हैं किसी फंगल डिजीज़ के लिए दी जाती हैं फ्रेंड्स, ओके। तो चलिए, और ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है फ्रेंड्स, कोल्ड, और घर में किसी एक के कोल्ड होता है तो वो इतना ईजिली स्प्रेड हो जाता है कि जितने भी लोग कॉन्टैक्ट में आते हैं वो उसके उन सबको भी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे हमारे पास, व्हाट डज टी स्टैंड्स फॉर इन DPT वैक्सीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पास ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी है टाइफॉइड, ऑप्शन सी है ट्रेकोमा एंड ऑप्शन डी है टिटेनस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो DPT में जो टी है फ्रेंड्स वो टिटेनस होता है, ठीक है, DPT में टिटेनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोलोस्ट्रम
कोलोस्टम आप जानते होंगे क्या होता है, येलोइश फ्लूइड है, सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, इज वेरी एसेंशियल टू इम्पार्ट इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट बिकॉज इट कंटेन्स ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, ऑप्शन बी नेचुरल किलर सेल्स, ऑप्शन सी मोनोसाइट्स, ऑप्शन डी मैक्रोफेजेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होगा फ्रेंड वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए। तो फ्रेंड्स देखिए कोलोस्ट्रम जो होता है मदर का पहला मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क होता है, और जिसमें IgA एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, ये किस एंटीबॉडी से रिच होता है, ये एंटीबॉडी ए से रिच होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा भी जाता है फ्रेंड्स कि मदर के मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो यहाँ पे देखिए, और ये जो एंटीबॉडी होती है वो न्यूबॉर्न में पास हो जाती है कैसे, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। तो जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी मिलती है बच्चों को, और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, उनको बीमारियों से बचाने के लिए फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 14, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज मीडिएट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी HCL बाय स्टोमक, ऑप्शन डी बाइट ऑफ स्नेक। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जिसको हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट जो होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होती है वो एंटीबॉडीज कॉज करती, एंटीबॉडीज से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो स्पेशलाइज प्रोटीन होती हैं, ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं फ्रेंड्स, ये स्पेशलाइज प्रोटीन होती हैं जो किसी एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में बनती हैं। तो देखिए जब भी हमारी बॉडी में किसी भी बैक्टीरिया का, किसी भी वायरस का, किसी भी एक्सटर्नल बाहरी जो है किसी भी फॉरेन पार्टिकल का अटैक होता है फ्रेंड्स, तो ये जो बी सेल्स बी लिम्फोसाइट्स होती हैं जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को जो ह्यूमोरल इम्यूनिटीज़ के लिए कनेक्टेड होती हैं, से रिलेटेड होती हैं, वो एंटीबॉडीज़ कॉज करती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। तो अब होता क्या है कि ये जो प्लाज्मा है फ्रेंड्स और जो लिम्फ होता है इसमें क्या होता है, ब्लड में ये सर्कुलेट करती हैं, और जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करती हैं, ये आपको याद रखना है, ओके। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन होगा ह्यूमोरल इम्यूनिटी वाला, उसका जो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन बाय बी लिम्फोसाइट्स, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये हमारा असर्शन है, एंड रीज़न यहाँ पर है, वैक्सीन्स जनरेट मेमोरी बी सेल्स एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली। चलिए अब यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सीधे सीधे हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू है, एंड रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वैक्सीन का प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड होता है, वैक्सीन का जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। देखिए जो मेमोरी सेल्स होती हैं फ्रेंड्स वो क्या करती हैं, मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में जब भी कोई एंटीजन अटैक करता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है, तो ये जो होती हैं वो ये मेमोराइज कर लेती हैं, ठीक है, याद कर लेती हैं कि हाँ इस एंटीजन ने अटैक किया था, ये पहले भी ये डिजीज़ हो चुकी है, तो उस तो ये इस बेसिस पे काम करती हैं, ठीक है। तो वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन आपको पता है कि वैक्सीन में बहुत ही वीक जो एंटीजन डाले जाते हैं, ठीक है, और या एटेन्यूएटेड, तो ये मेमोरी सेल क्या करती हैं, पहचान लेती हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ फिर बॉडी में बनने लगती है, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, माल्ट कंस्टिट्यूट्स अबाउट % ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो माल्ट है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने % लिम्फोइड टिश्यूज़ को बनाता है, कंस्टिट्यूट करता है। ऑप्शन ए इज 20%, ऑप्शन बी इज 70%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 50%। तो चलिए यहाँ पे जो माल्ट है फ्रेंड्स वो क्या होता है, एक टाइप का ये लिम्फोइड टिश्यू ही होता है, ठीक है, और ये हमारे बॉडी में अबाउट 50% तक लिम्फोइड टिश्यू को बनाता है, ठीक है, और
देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी बॉडी में मेजर जो ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल, यूरोनोजेनाइटल ट्रैक्ट्स, ठीक है, इनकी भी यूकोसा में होते हैं और ये 50% तक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 17, ग्राफ्टेड किडनी मे बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू, ऑप्शन ए पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी इननेट इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ्टेड किडनी की बात की गई है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट में फ्रेंड्स किसी की किडनी फेल्योर हो चुकी है और किसी और दूसरे पर्सन से वो किडनी ग्राफ्ट की जा रही है, लगाई जा रही है, तो अगर उसका रिजेक्शन होता है तो वो किस वजह से होगा? वो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा और लेक्चर भी पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द डिफरेंसेस बिटवीन द एपिटोप एंड एन एंटीजन। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, एमयू में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एन एपिटोप इज एनी फॉरेन सब्सटेंस, एन एंटीजन इज फॉरेन प्रोटीन। ऑप्शन बी एन एपिटोप इज द पार्ट ऑफ एन एंटीजन वेयर एन एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट रिसेप्टर बाइंड्स। ओके, ऑप्शन सी इज एन एंटीजन इज द पार्ट ऑफ एन एपिटोप वेयर एन एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट रिसेप्टर बाइंड्स। ऑप्शन डी एंटीजन्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय बी सेल्स एंड एंटीबॉडीज एपिटोप्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय टी सेल्स। तो चलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स सही हो जाएगा? देखिए, जो एंटीजन, जो फ्रेंड्स एपिटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं? एंटीजन के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। हर एक एंटीजन बहुत सारे एपिटोप को कैरी करता है, ईच एंटीजन जो है वो मैनी एपिटोप्स को कैरी करता है। आपको पता है कि जो एंटीबॉडी होती है वो वाई शेप्ड होती है, ओके, वाई शेप्ड ऐसे कुछ उसका मॉलिक्यूल होता है फ्रेंड्स, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा ही होगा, ऐसे करके बना होता है, यहाँ पे भी ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे करके बना होता है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अब जब आप उसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसको बहुत सारी आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन बट मैं आपको ऐसे ओरली एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि जो ये वाई शेप्ड एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल होता है और इसमें टू बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है, और ये क्या करती हैं, ये अटैच करती हैं स्पेसिफिक एपिटोप को एंटीजन के लिए। फिर एंटीबॉडी जो होती है वो भी बाइंड कर सकती है आइडेंटिकल एपिटोप के साथ, वो बाइंड कर सकती है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, और होता क्या है, और उसी सेम टाइम पर जो आसपास की नेबरिंग सेल होती हैं, इसी सेम टाइम पे जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तो ये सेल्स एग्रीगेट कर जाती हैं, यानी एक साथ आ जाती हैं जो आसपास की सेल्स होती हैं, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी के साथ कंबाइंड हो जाता है और ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो लॉक एंड की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे हर एक ताले की एक चाबी होती है वैसे ही लॉक एंड की तरह काम करता है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जो एंटीजन होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं, कैसे सब्सटेंस होते हैं, जब भी ये बॉडी में जाते हैं तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एन एपिटोप इज द पार्ट ऑफ एन एंटीजन, जो एपिटोप है वो एंटीजन का ही पार्ट होता है, जहाँ पे वेयर एन एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट रिसेप्टर बाइंड, जहाँ पे कोई एंटीबॉडी या लिम्फोसाइट रिसेप्टर जुड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, ऑप्शन ए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन बी गाउटी अर्थराइटिस, ऑप्शन ए है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑप्शन बी गाउटी अर्थराइटिस, ऑप्शन सी रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑप्शन डी स्टेसैक डिजीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, आपको याद है, आप याद कर लीजिए इसको, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, द इम्यूनोग्लोबुलिन डाइसल्फाइड डू नॉट जॉइन। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे अगेन एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की ही बात हो रही है, ठीक है। एंटीबॉडी में के स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे टू हेवी चेन्स, ऑप्शन बी लाइट चेन्स विद हेवी चेन्स,
एंड ऑप्शन सी टू लाइट चेन्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। फ्रेंड्स, जो इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल होता है वो 4 पेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है। कितनी पेप्टाइड चेन से? 4 पेप्टाइड चेन से, जिसमें कि जो टू होती हैं वो स्मॉल होती हैं, या उनको लाइट चेन भी कहा जाता है, और जो बाकी की जो टू होती हैं वो क्या होती हैं, वो लॉन्गर होती हैं और उनको हेवी चेन कहा जाता है। तो इसीलिए जो एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल होता है फ्रेंड्स, उसको H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद रखिएगा, H2 मतलब 2 हेवी चेन और L2 मीन्स 2 लाइट चेन। और जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो लाइट चेन को हेवी चेन से ज्वाइन करता है फ्रेंड्स, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड जॉइंस अ लाइट चेन विद अ हेवी चेन, ओके। और जो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं वो 2 हेवी चेन से लिंक होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2 लाइट चेन। तो इम्यूनोग्लोबिन डाइसल्फाइड डू नॉट ज्वाइन 2 लाइट चेन, लाइट चेन को 2 लाइट चेन को ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन 2 हैवी चेन को ज्वाइन करते हैं और लाइट चेन को हैवी चेन से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं, आई मीन डू नॉट है, तो 2 लाइट चेन हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। द लोकेशन वेयर बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट एंड मैच्योर इज इन दी। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बी लिम्फोसाइट कहाँ पे मैच्योर होती है, और यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है, ए बोन मैरो, ऑप्शन बी बर्सा ऑफ फैब्रिक्सियस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी थाइमस। तो चलिए, यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पास जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ए एंड बी। यानी कि जो बोन मैरो है वो मेन लिम्फोइड ऑर्गेन होता है, जहाँ पे जो ब्लड सेल होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो फॉर्म होती हैं, ये पता है आपको। और जो मैच्योरेशन होता है बी लिम्फोसाइट्स का, वो भी यहीं पर होता है। और जो थाइमस होती है वो टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन की साइट होती है। और जो फ्रेंड्स बर्सा फैब्रिसियस जो होती है, वो लिम्फोइड ऑर्गेन होता है, वो बर्ड्स में होता है, ठीक है, वो बर्ड्स में होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे भी बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो बर्सा है वो बर्ड्स के लिए है, ठीक है। ये जो बर्सा फैब्रिसियस है वो बर्ड्स में होता है, और यहाँ पे बर्ड्स में भी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन होता है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। डीपीटी वैक्सीन अ कॉम्बिनेशन वैक्सीन इज़ इफ़ेक्टिव इन ह्यूमन अगेंस्ट। ये तो ईजी है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन ए है डायबिटीज़ पोलियो एंटीटेनस, ऑप्शन बी डिप्थीरिया प्लेग एंटीटेनस, एंड आगे के ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिफॉइड, एंड ऑप्शन डी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटनस। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, चलिए बताइए। यहाँ पर हमारे पास फ्रेंड्स जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले हम लोग डीपीटी वाला क्वेश्चन ले चुके हैं जिसमें हमको टी से टिटनेस बताना था, तो यहाँ पे डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 23 है, थोड़ा सा ब्लर्ड है फ्रेंड्स क्योंकि ये फ़ोटो ली गई है, तो बट जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा। अप्रोप्रिएट टर्म फॉर ग्राफ्टिंग ऑफ टिश्यू और ऑर्गेन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज नोन एज, ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले, एलोग्राफ्ट, ऑप्शन बी है आइसोग्राफ्ट, ऑप्शन सी इज जीनोग्राफ्ट एंड ऑप्शन डी इज ट्रांसग्राफ्ट। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं, जो ग्राफ्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है। किसी भी लिविंग टिश्यू को फ्रेंड्स, किसी भी लिविंग टिश्यू को दूसरे टिश्यू से ज्वाइन करना क्या कहलाता है, ग्राफ्ट कहलाता है। तो ये एक ही हम लोग किसी एक सेम ऑर्गेनिज्म में ही कर सकते हैं, या जैसे कि मान लीजिए किसी एक मैन में, किसी एक आदमी में ये काम किया जा रहा है, तो उसी की बॉडी का कोई टिश्यू लेकर के उसी की बॉडी में कहीं और ग्राफ्टिंग कर दी जा रही है। या तो फ्रेंड्स हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स में भी कर सकते हैं, जैसे कि एक ह्यूमन का जो कोई टिश्यू है किसी भी टिश्यू को लेकर के वो किसी दूसरे ह्यूमन के बॉडी में वो टिश्यू को ग्राफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ग्रोथ होती है तो वो टिश्यू फ्यूज़न हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं, तो एनिमल, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद जो एनिमल और जो ह्यूमन का जो ग्राफ्ट होता है उसमें क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, ये कोई भी मान लीजिए कहीं पर भी इंजरी हो गई है बहुत ज़्यादा, जैसे एक्सीडेंट हो गया हो, कोई भी डैमेज पार्ट हो गया, किसी का फेस ख़राब हो गया, कोई सर्जरी कराना चाहता है, तो ये सारी चीज़ें हो, मान लीजिए किसी की किडनी फेल हो गई हो,
तो किडनी का ग्राफ्ट होता है। तो जो ऑटोग्राफ क्या होता है, ऑटोग्राफ में जो होता है वो एक सेम ही इंडिविजुअल में होता है, ठीक है, एक ही आदमी में किस दो पार्ट्स के बिटवीन हो जाएगा, दो चीज़ों को लेकर के हो जाएगा, कहीं एक बॉडी का जो किसी एक पार्ट का जो टिश्यू है दूसरे पार्ट में लगा दिया जाएगा। और जो एलोग्राफ्ट होता है या होमोग्राफ्ट होता है वो एक इंडिविजुअल उसमें डोनर होता है और जो दूसरा होता है सेम ही स्पीशीज़ का वो रेसिपिएंट बन जाता है, ठीक है, और इसको ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं फ्रेंड्स। और जीनोग्राफ्ट में क्या करते हैं, देखिए इसको हिटरोग्राफ्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जैसे कि किसी एक एनिमल से या एक स्पीशीज़ से किसी दूसरी स्पीशीज़ में, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्पीशीज़ चेंज हो रही है, एक स्पीशीज़ का दूसरी स्पीशीज़ में ट्रांसफ़र होता है, ग्राफ्ट किया जाता है, इसीलिए इसको जीनोग्राफ्ट या हिटरोग्राफ्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो बिल्कुल कौन सा होगा, अब इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आप समझ गए होंगे कि ये ऑप्शन सी यानी कि जीनोग्राफ्ट के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज नोन एज। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, ठीक है, रिगार्डिंग किडनी ट्रांसप्लांट एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वन आउट ऑफ दीज। इवन इफ अ किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर द रेसिपियंट मे नीड टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन टू क्या, पॉइंट टू है फ्रेंड्स ये, ठीक है, ऑप्शन तो अभी आगे नीचे दिए हुए हैं। पॉइंट टू है, दिस सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, दिस सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। पॉइंट थ्री, द बी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट। पॉइंट फोर, द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक इंटरफेरॉन्स। अब यहाँ पे देखिए, दीज द टू करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ऑप्शन ए 2 and 3, ऑप्शन बी 3 and 4, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 1 and 2। तो फ्रेंड्स चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए किडनी ट्रांसप्लांट जो है फ्रेंड्स वो एलोग्राफ्ट होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो एलोग्राफ्ट में होता है, ठीक है, एलोग्राफ्ट। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो टिश्यू मैचिंग की जाती है, ठीक है, ब्लड ग्रुप मैचिंग की जाती है और ये सारी चीज़ें बहुत एसेंशियल हैं जब भी किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है, टिश्यू की मैचिंग भी होनी चाहिए, साथ साथ ब्लड ग्रुप तो मैच करते ही हैं, जितने भी कोई छोटा सा भी ऑपरेशन होता है, कोई भी ब्लड किसी को डोनेट करना रहता है तो ब्लड ग्रुप की मैचिंग की जाती है फ्रेंड्स, आपको पता ही है। उसके बाद जो इस क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पेशेंट होता है उसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स दी जाती हैं, उनको पूरी लाइफ में इम्यूनोसप्रेसेंट्स मेडिसिन खानी पड़ती हैं, ठीक है। और जो बॉडी होती है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफ्रेंशिएट कर पाती है, इसीलिए तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग फिर से 1 and 2 क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब हम ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है PYQ का और ये क्वेश्चन 25 है। इन हैबिचुअल अल्कोहल ड्रिंकर्स लीवर गेट डैमेज बिकॉज ऑफ, ऑप्शन ए एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट, ऑप्शन सी एक्सेस डिटॉक्सिफिकेशन, ऑप्शन डी एक्सेस डीएमिनेशन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जब भी अल्कोहल इनटेक करते हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है तो क्या होता है कि भाई जितनी भी चीज़ हम लोग लेते हैं, इनटेक करते हैं, वाटर पी रहे हैं या फिर कोई भी ड्रिंक पी रहे हैं, तो क्या होती है, ब्लड में जाती है, तो ब्लड अल्कोहल को लीवर तक ले जाता है। तो जो लीवर है वो क्या करता है, वो अल्कोहल से फैट बनाता है, ठीक है, वो अल्कोहल से फैट का सिंथेसिस करता है। और जो लीवर होता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर होता है कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए, ओके। और जो एक्सेस फैट होती है फ्रेंड्स, जो ज़्यादा होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो रिड्यूस हो जाती है और किस में बदल जाती है, ग्लाइकोजन में बदल जाती है, ठीक है, सॉरी जो एक्सेस फैट होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देती है, ठीक है, जो ज़्यादा फैट होती है वो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देती है। और जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं,
ठीक है, उनको भी कर देती है। तो जो लीवर होता है अब क्या बन जाता है, लीवर अब फैट का स्टोर हाउस बन जाता है। तो इसलिए जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल जो लोग लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उनके लीवर में फैट का स्टोरेज हो जाता है, और जब किसी भी चीज़ का स्टोर हो जाता है लीवर में तो क्या होता है, लीवर एनलार्ज बड़ा हो जाता है, ठीक है, येलो हो जाएगा, ग्रीजी हो जाता है, ठीक है। तो इसको फैटी लीवर सिंड्रोम भी कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट यानी ज़्यादा फैट का जमा हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे वो फिनिश हो गए, एंड हो गए हैं फ्रेंड्स। और आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, ये एक्सप्लेनेशन और ये जो PYQ फ्रेंड्स आपको पता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करो बट PYQ से बहुत हेल्प मिलती है। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको पहुँचाइएगा फ्रेंड्स, और टीचिंग को सपोर्ट करिएगा, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इमोशनली स्ट्रांग रहिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।